तो स्वागत है आपको फिर से और एक्साइटेड वीडियो पर। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ एथर राइड के लिए आज, और ये एथर वालों ने मुझे ये टी शर्ट दिया है तो मैं यही पहना है। मैंने ऊपर अभी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ये टगा लिया है, और नीचे जाके स्कूटी में रख दूंगा। बाल बहुत अच्छे से सेट हुए नहीं है, वैसे भी हेलमेट पहन लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हेलमेट का सेटअप भी लगा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इससे ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा। और मैंने अपना गिम्बल भी रखा है अपना। तो चलो निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। 7 बजे मुझे बुलाया था, 7:05 तो हो रहा मेरे को निकलने में। चलो 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 सीधे निकलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से और अगेन एक्साइटेड वीडियो पर। अभी हम निकल चुके हैं गाइस, हम निकल चुके हैं घर से, और आई होप आवाज़ आ रही होगी यार, क्योंकि यार आवाज़ की दिक्कत आ जाती है मेरी गाड़ी में। नहीं गाड़ी में नहीं, मतलब कि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बार बार आवाज़ में दिक्कत आ जाती है। मैंने कई सारे माइक सेटअप करके देख लिया पर फिर भी पता नहीं क्यों यार। मैंने अभी तो क्लियर ढंग से भी रखा है, शायद हवा की आवाज़ ना आ रही हो, आ भी रही होगी तो यार समझ ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ जाके इसको सेटअप करें। काफ़ी महंगा माइक है ये, बोया का था, 700-800 रुपये का माइक है, उसके बाद भी अच्छे से काम करता नहीं है यार। आई होप अब आवाज़ नहीं आ रही होगी हवा की, नहीं तो मेरी गाड़ी में हवा की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आती है। सो गाइस अभी गाड़ी मेरी फुल चार्ज है, कम्प्लीटली फुल चार्ज है, और मैं थोड़ा 40-50 की स्पीड में चलूँगा क्योंकि 7 बजे उन्होंने बुलाया था और 7 बजे मैं घर से निकला। थोड़ा लेट तो हो गया यार। आज ये रोड है आपकी ओंकारेश्वर वाली, है ना, खंडवा वाली रोड बोलते हैं इसको, खंडवा रोड बोलते हैं। अभी ये मतलब ये रोड बन रही है, चारों तरफ से चौड़ी होने वाली है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिन में ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे और बहुत धूल रहती है तो मज़ा नहीं आता। पर ठीक है, क्या करें, मजबूरी, अभी तो यहीं पे है तो करना पड़ेगा ऐसा कुछ ना कुछ काम। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। गुड मॉर्निंग, हम लोग आ चुके हैं एथर सर्विस सेंटर के सामने, और ये मैं लॉक मोड में डाला हुआ था इसलिए बार बार इधर उधर घूम जा रहा है। सो ये पूरा पीछे का माहौल है, कुछ गाड़ियाँ अभी यहाँ आ गई हैं, कुछ सामने साइड हैं तो वहाँ पे कुछ खड़ी हैं। 7 बजे का कॉल टाइम था और लोग आ गए हैं और लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सर ने कल शर्ट दी है मेरे को, काफ़ी अच्छी लग रही है इसलिए मैं पहन के आ गया। ब्लैक कलर अच्छा लगता है। और मेरे साथ ज्वाइन करेगा कित्तू, सब जानते हो इसको, जो नहीं जानते हो तो जान जाओ मेरा भाई है। लाइक कर देना कित्तू के नाम पे आज। तो काफ़ी अच्छा माहौल है अभी यहाँ का। फिर ठीक है, थोड़ी देर से यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी वाइड आ रहा होगा, मैं थोड़ा गिम्बल लेकर आया हूँ आज ना। यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर दिखाता हूँ। हेलमेट में मैंने सेटअप किया था पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आ रहा है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो कित्तू पीछे पकड़ के बैठेगा ये गिम्बल, तो गिम्बल से सारी चीज़ें सूट होंगी, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और कल वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ, यहाँ पे आई बटन में वीडियो आ रही होगी। कल भी मैं यहीं पे था, आज भी यहीं पे हूँ, कल भी शायद यहीं रहूँगा। अभी फ़ोटो सेशन हो चुका है, फ़ोटो वगैरह हो गई और अभी उधर फोटोग्राफी चल रही है, इधर मज़ा आ रहा है। अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो यार एनहेंस करनी पड़ेगी सारी आवाज़ यहाँ पर। सब कुछ पूरा माहौल सेट है, बवाल मचा हुआ चारों तरफ। भैया कैसे हो? अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे भैया के साथ, कैसा लगा? तो भाई
तो गाइस अभी फ़ोटो सेशन हो गया है, सिंगल सिंगल वाली फ़ोटो भी आ गई। तो मैं यहाँ पे ऐसा प्लान बना रहा हूँ कि कित्तू ड्राइव करेगा, उसका नाम आयुष है, वैसे हम लोग प्यार से कित्तू बोलते हैं, तो कित्तू राइड करेगा। और हाँ आप भी प्यार से बोल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं लेकिन तो शूट मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को आइडिया है कि कैसे शूट करना है। कित्तू करेगा, अच्छा शूट करता है, उज्जैन वाला उसी ने शूट किया था, तभी आज तक वीडियो नहीं आई। तो शूट मैं करूँगा इसलिए। अरे भाई तुम वीडियो ऐसी बनाए थे, डालो क्या? लाइव पूछ रहा है अभी, अखंड बेइज्जती करवा रहा अपने खुद ही। तो मैं ही शूट करूँगा, मेरे को थोड़ा बहुत सिनेमेटिक्स का आइडिया कैसे लेना है, तो अच्छी आएगी वीडियो उस हिसाब से, इसलिए मैं ही शूट करूँगा। ठीक है, बस मैं करूँगा, जो करना है कर लूँ, बाय। तो अभी हम थोड़ा शोरूम के अंदर भी आए हैं दिखाने, देख लो। यहाँ आता हूँ तो हमेशा दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो गई है, मतलब बहुत मज़ा आता है यार अंदर। सो गाइस अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं, पूरी बाहर जम चुका है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे कुछ स्लोगन्स लगे हुए हैं, ये सब एथर फैमिली है हमारी। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, मैं हरी पांडव टीम फास्टिवल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रीफिंग हो रही है, तो आज हम लोग जो रैली का हम लोगों ने आयोजन किया है, जो ई व्हीकल राइड करके जो क्लाइमेट के लिए सहयोग कर रहे हैं, उसको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया हुआ है। काशी द्वार से आ रहे हैं, मतलब जो यहाँ शोरूम के हेड हैं, मालिक हैं जो, वो आ रहे हैं, वो कुछ चीज़ें ब्रीफ करेंगे कैसे राइड कहाँ से कहाँ तक जानी है। आई वेलकम यू ऑल। सो गाइस बस यहाँ से निकल चुके हैं। अरे ये क्या होता है, लॉक मोड में लगा दो गिम्बल तो ये दिक्कत है। तो गाइस बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं, है ना। आपको पीछे का मैं माहौल दिखा देता हूँ, और मैं थोड़ा बीच बीच में रहूँगा ताकि मैं दोनों साइड से वीडियो बना सकूँ, आगे पीछे दोनों की। और ये कित्तू राइड कर रहा है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, और मैं पीछे बैठूँगा।
अपन बॉम्बे हॉस्पिटल के पास पहुँचे हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि मेरी कॉलेज भी यहीं थी, तो 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ आना जाना लगा रहता था, तो वही सब पुराने दिन थोड़ा थोड़ा याद आने लगे। अनिरुद्ध, आयुष, तुम लोग देख रहे हो यार, तो एक लाइक ठोक देना, कमेंट करके बताना कि हाँ तुमने देख लिया। तो बाकी मेरे बनटाई लोग जितने हो, फोकट ग्रुप के, पंचायती ग्रुप के जितने भी मेरे दोस्त लोग हो, यार ये वाला चौराहा काफ़ी ज़्यादा याद आता है। अपन यहीं पास से राइट मुड़ के जाते थे कॉलेज के, अपनी पाइनियर इंस्टीट्यूट। तो पाइनियर इंस्टीट्यूट से आई होप मैम या सर कोई ना कोई देख रहे होंगे जो अक्सर देखते हैं, तो हमेशा हम स्कूल को, अपनी कॉलेज को याद करते हैं यार। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई यहाँ पे भी राइट, पर हाँ ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा। और सामने यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, इंदौर मेट्रो का काम चल रहा है। ये अपना MR9 स्क्वायर और विजयनगर स्क्वायर, जो रेडिसन ब्लू स्क्वायर है, इसको मालवी पेट्रोल पंप स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पास मेट्रो का काम चल रहा है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा जाम तो रहता है, पर ठीक है अपने लिए ही बन रहा है। ये MP की मेट्रो है, मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि जब मैं इंदौर छोड़ के चला जाऊँगा तब तक ये मेट्रो आ पाएगी। तो यहाँ पे गाड़ी सब लोग रोक लिए हैं, तो बाकी लोग पीछे सिग्नल में गुजर गए थे, इस कारण से हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि आ जाए। नाम क्या भैया आपका? नाम क्या आपका? आकाश अरोड़ा। आकाश अरोड़ा, आकाश अरोड़ा भैया देखिए यार आपके सब्सक्राइबर क्या कर रहे हो। तो अभी भैया मिले हैं यहीं पे, भैया भी अपने साथ में, भैया ने भी अभी रेतर उठाई है, पार करेंगे और यहीं कहीं पे चाय कप्पी है वहाँ पे बैठना है। तो गाइस वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, यही है हमारी डेस्टिनेशन चाय कप्पी, यहाँ पे आ गए हैं। हेलमेट डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं अपने, राहुल भैया अगेन यहीं पे, बस गाड़ी में हेलमेट वगैरह रखेंगे, अंदर चलना है। ये यहाँ पे है डेस्टिनेशन अपनी चाय कप्पी करके, और भीड़ पर जाते। भैया आपका नाम क्या? विजय पाठक। विजय पाठक, ये विजय पाठक भैया, ये भी एथर से ही है और बाकी ये सब कस्टमर ही हैं एथर के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो गई हैं, अभी अपन जा रहे हैं अंदर से। चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ जन हो गया, अभी यहाँ बैठे हैं, एक स्पीच होने वाली है, स्पीच सुनते थे। सबसे पहले आप सबको थैंक यू कि आप हमारी फर्स्ट एफर राइड का पार्ट हैं। हमारी फर्स्ट पर एक फीडबैक मॉडल है, तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। ये फर्स्ट राइड है, इसके बाद हम एक नेक्स्ट मॉनसून में प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको आज मज़ा आया। अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सा खत्म।
बाय बाय टाटा गुड बाय गया बाय बाय। ये कांग्रेस का सपोर्टर है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ से जाना है वापस, अपना हेलमेट लेंगे। मैं अपना गोप्रो वाला हेलमेट का सेटअप लेकर आया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने हटा दिया, और इसीलिए कितू राइड कर रहा था और मैं वीडियो बना रहा था पूरा। तो आई होप आपने वीडियो इंजॉय की होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। और जितने लोग यहाँ पे थे और जो देख रहे हो इनमें से, तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हम भी थे इस राइड पे। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा होगा, इट्स गुगली प्रोडक्शन। तो अभी के अभी जाओ और एथर सर्विस एक्सपीरियंस जरूर जाओ एक बार आप, और टेस्ट राइड लेके देखो। अगर आप कोई भी बाइक प्लान कर रहे हो, आई थिंक 150 cc तक की आप कोई भी बाइक प्लान कर रहे होगे तो हाँ सिटी पर्पज के लिए, तो आप बिल्कुल आप जाओ और देखो इसको, मज़ा आ जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बस बाय बाय। और बैकग्राउंड पूरा चेंज हो चुका है, मैं वहाँ से अपने घर आ चुका हूँ और यहाँ पे नेट स्लो है इसलिए वीडियो ये लेट आ रही होगी, तो बस लाइक कर देना, बाय बाय। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज़।